जरिए तो बड़ी जानकारी है कि अफगानिस्तान को 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजेगा भारत। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान को मदद भेजने को मंजूरी मिली है। इमरान खान का पाकिस्तान के रास्ते से ले जाने की अनुमति मिल गई है, तो मानवीय सहायता के रूप में भारत अफगानिस्तान में गेहूं भेजेगा। बिल्कुल, हालांकि एनएसए की बैठक में ये डिसाइड हो गया था, पिछले दिनों एनएसए की बैठक हुई थी, हालांकि उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है। इमरान खान ने खुद भी ट्वीट किया है कि हम रास्ते की अनुमति देते हैं। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सवेरे हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, भारत मानवीय सहायता दे रहा है अफगानिस्तान को, लेकिन रास्ता जो था वो सिर्फ पाकिस्तान ही है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अनुमति दे दी गई। क्या पाकिस्तान दिखाना चाहता है? एक तरफ एनएसए की मीटिंग में शामिल नहीं हुआ गया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है कि हम सभी के लिए काम कर रहे हैं। जी देखिए, ये इमरान खान ने ये जो निर्णय लिया है, पाकिस्तान की सरकार ने जो ये निर्णय लिया है, ये अच्छा निर्णय है। और ये जो अफगानिस्तान की जो 23 मिलियन की जो आबादी है, जो कि सीवियर विंटर फेस करने जा रही है और बहुत ही हार्ड कंडीशंस फेस करने जा रही है, पहले से ही एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की स्थिति थी, फूड की क्राइसिस थी, और अब जो है सीवियर विंटर भी होगा, इकोनॉमिक क्राइसिस तालिबान पहले से ही झेल रहा है। तो ऐसे में अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी, और पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात को लेकर के काफी चिंतित भी था और काफी इसके बारे में सक्रियता के साथ प्रयास भी कर रहा था कि किस तरीके से अफगानिस्तान के लोगों की मदद की जाए। तो ऐसे में भारत की तरफ से भी लगातार पहल की जाती रही, और भारत ने ये जो 50,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का जो ऑफर किया था, अब उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। तो ये अब मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, और यदि पाकिस्तान को इसी तरीके की सद्बुद्धि आती है तो वो पाकिस्तान के लिए भी ठीक होगा। लेकिन वही है कि समस्या कि अभी हाल में ही आपने देखा कि एनएसए की जो मीटिंग हुई, जिसमें कि भारत पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर के बैठक करना चाहता था, और उसमें पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं उन्होंने ये कह दिया कि स्पॉयलर्स कैन नॉट बी पीस मेकर्स, उन्होंने भारत को स्पॉयलर्स की संज्ञा दे दी। तो ये सब जो बयानबाजियां होती हैं और पाकिस्तान की तरफ से जो कदम लिए जाते हैं इतने नकारात्मक रहते हैं कि वो सकारात्मक कदमों से पूरी तरह से ढक जाते हैं। तो पाकिस्तान ने ये जो सकारात्मक कदम लिया है, ये अच्छा कदम है। बिल्कुल संजीव जी, और भारत ने दिखाने की कोशिश की है कि कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान कह रहा था कि भारत एक खतरा है, भारत तो मदद भेज रहा है, और भारत की खासियत रही है कि वो किसी भी देश को मदद जरूर देता है। संजीव जी।